अल्मोड़ा के ब्राइटन कॉर्नर के पास है रामकृष्ण कुटीर। यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव का ये मंदिर है। इस मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा की जाती है। रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा में हर साल गुरु पूनम के दिन मंदिर में विशेष पूजा, हवन, भक्तों के प्रसाद होते हैं। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, आज व्यासदेव का जन्मदिन है। इस पूनम में व्यासदेव का जन्म हुआ था। व्यासदेव सब शास्त्रों के गुरु हैं। ब्रह्मसूत्र का उन्होंने तैयार किया, वेद के विभाजन किया, 18 पुराण का उन्होंने लिखे, इसलिए उनको सब शास्त्रों के गुरु माना जाता है। उनका जन्मदिन हम लोग सब गुरु पूर्णिमा का इसलिए मनाते हैं उनका जन्मदिन। और खाली हम ही नहीं, भारत में सनातन धर्मावलंबी जितना भी है, सभी लोग आज का दिन गुरु पूर्णिमा के दिन हिसाब से मनाते हैं। और शिष्य लोग अपने गुरु को स्मरण करते, प्रणाम करते, पूजा करते, सब मंदिरों में भी पूजा, हवन, प्रसाद होते हैं। स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा से गहरा नाता रहा है। अल्मोड़ा में वो 3 बार आए थे। जब वो अपने गुरु भाई शिवानंद के साथ आए थे, तब उन्होंने इस जगह में आश्रम बनाने के लिए कहा था। साल 1916 में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना की गई थी। इस कुटीर में सुबह से ही पूजा अर्चना और भोग के साथ हवन भी किया गया। यहाँ करीब 40 प्रकार के भोग बनाए गए थे जो भगवान को चढ़ाए गए। पूजा होने के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वेद व्यास जी के, उसमें जैसे कि अभी महाराज जी ने आपको बताया कि इसमें जितने भी अपने जो गुरु की पूजन की जो महत्ता है अपने देश में सनातन धर्म में, गुरु सर्वोपरि है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद आपने जो एक अपना जो एक है दोहा, ये जग प्रसिद्ध है। तो ऐसे करके गुरु की असीम महिमा है अपने धर्म में, उसकी विधिवत रूप से इसकी यहाँ पर इसको मनाया गया है और सभी को इसमें स्नेह रहता है। हम लोग कलकत्ता से आए हुए हैं और इसमें पूरी जो पूजा, जो जैसे हिंदू रीत के अनुसार जैसे पूरी षोडशोपचार पूजा जो है, उसमें हम लोग भाग लिए। पूजा में ठाकुर जी को हम लोग अंजलि भी प्रदान किए और ये जो है हम लोगों को जो इच्छा है हर साल गुरु पूर्णिमा में यहाँ पे आने का और महाराज लोगों के, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के सबसे आशीर्वाद लेने का। गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ कोलकाता, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और अनेक राज्यों से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।